दो गड्डी भाजी देखो इतना हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। क्या भाजी लिए ले? ये भाजी का तो नाम नहीं मालूम, बोलते ये नल्ली भाजी। नल्ली भाजी? हाँ, तो कमेंट में लिखो ये कौन सी भाजी है। पता नहीं कौन सी भाजी है। ये भाजी क्या बना रहे? ये भाजी मैं सुक्का बनाने वाली हूँ। इसके साथ और क्या लिए? इसके साथ मैंने ली हूँ, ये घर के सामने आया तो हम लोग ने ले दिया। ये घर के सामने ही हम लोग के इधर आता, भाजी वाला, मच्छी वाला, हर चीज। हम लोग को मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। ये ली हूँ 50 रुपए का एक गड्डी, कांदे का सब्जी। कितना ताजा भाजी है, इसको बोलते हैं नल्ली भाजी। ठीक है, एकदम आसानी से साफ होता है। खाली इतना से थोड़ा से डंडी काट के फेंक देने का, और ये डंडी पूरा डालते हैं बारीक। डंडी देख, एकदम कौली डंडी है। हाँ, ये भाजी का नाम मालूम पड़ा, अभी मैंने YouTube पे सर्च किया, इसको कलमी साग बोलते हैं। कलमी साग, और ये पानी में रहता है। पानी में रहता है ये? पानी में रहेगा, बिना पानी का भाजी आएगा ही नहीं। अच्छा, कलमी साग बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं इसको नल्ली भाजी, इसलिए बोलते हैं नल्ली भाजी। ये देखो, ये क्या है, पाइप जैसा रहता है। ए, हाँ, ए देखो, इसके लिए नल्ली भाजी। अच्छा, इसके लिए इसको नल्ली भाजी नहीं, हम लोग नल्ली बोलते हैं। क्या भाजी का नाम है मुझे पता ही नहीं। अभी YouTube में सर्च किया ना, कलमी बोलते, कलमी। हाँ, कलमी साग। अरे भाजी, जो भी मार्केट है हमारे घर के सामने ही सब कुछ। 5 minutes later, तो कलमी भाजी अच्छे से साफ करके हो गया, और इतना तो पूरा कचरा निकला है। देखो इतना कचरा निकला है, देखो बहुत अच्छे से साफ हो गया। ये दो गड्डी भाजी है, दो गड्डी है। ये दो गड्डी में पानी में भिगा के साफ करेंगे ना अच्छे से। दो तीन पानी में धोना पड़ेगा ये भाजी, ये दो तीन पानी में धोना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग कांदे वाला भाजी को बनाएंगे, इसको सफाई करेंगे। बैदे में डाल के बना सकते, खीमे में बना सकते। 5 minutes later, भाजी का मसाला है, एक डल्ली लहसुन है जिसको हम कूट के डालेंगे, एक प्याज है और एक ग्रीन चिल्ली है, और सब्जी को हम लोग ने अच्छे से पानी में, क्लीन पानी में अच्छे से साफ कर दिए। दैट्स इट। अभी तेल डालूंगी। हो गया ये, अच्छे से तेल गरम होना। एक प्याज है, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा से लाल होएगा, फिर उसके ऊपर में भाजी डालूंगी। इससे भी भाजी बन जाएगा। बस ये देखो, इतना ही बस, लाल हो गया, ये भाजी डाल दूंगी। चलो, दो गड्डी भाजी है, दो गड्डी भाजी बनने के बाद में वो थोड़ा हो जाएगा। कभी भी भाजी में थोड़ा ही नमक डालने का, स्वाद अनुसार नमक। इसमें हल्दी नहीं है, मिर्ची का पाउडर नहीं है, कोई मसाला नहीं है, और खाली हम लोग तीन चीजें ऐड किए, लहसुन, ग्रीन चिल्ली और प्याज। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये भाजी में पानी भी नहीं डालने का, ऐसी पक जाए, स्टीम भी पक जाएगा। हाँ, थोड़ा भी पानी नहीं डालने का, पानी डालेंगे तो मजा चलेगा। A few moments later. ये देखो कितना दब गया, देखो इतना सा हो गया, पानी देख, थोड़ा भी नहीं डाले। देखो इसका, देखो पानी ऐड भी नहीं किया हम लोग ने। दो गड्डी भाजी देखो इतना हो गया। बटाटा डाल के भी बना सकते हैं, किसको चाहिए बटाटा भी डाल के बनाओ। हम लोग को नहीं पसंद है तो हम लोग ने नहीं डाले। हल्दी डालते तो देखो ऐसा ग्रीन नहीं रहेगा, बिना हल्दी का इतना ग्रीन भाजी। जो पानी सूख जाएगा तो हो गया भाजी बन गया। हाँ, बन गया भाजी, थोड़ा पानी सूखना है बस।
तो बिल्कुल पानी ऐड नहीं किए, भाजी का ही पानी, भाजी का ही पानी है। कोई भी भाजी में पानी नहीं डालते, पालक में, मेथी में, सब भाजी के पानी से। A few moments later, भाजी बन गया है। प्लीज कमेंट करो आप लोग को ये भाजी का वीडियो कैसा लगा। खुशबू आ रही है भाजी की, मस्त। देखो बन के रेडी हो गया है। सच में बहुत अच्छा बना। टेस्ट कर रहा हूँ भाई, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया है भाजी। चल झूठा, इसको बोलते नल्ली की भाजी। हाँ, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया रियली। और इसको कुछ कमली भाजी भी कुछ बोलते हैं, मैंने यूट्यूब पे चेक किया। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए भाजी को क्या बोलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना ये भाजी कैसा बना है। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।